हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन सुबेदार सीयूईटी 2024 का ऑफिशियली एडमिट कार्ड हमारा आउट हो चुका है। वेबसाइट पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा है इसलिए डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये वाली वीडियो के अंदर सेंटर पे जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, क्या लेके जा सकते हैं क्या लेके नहीं जा सकते, वो सारी बात मैं आज करने वाला हूँ। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे exam.nta.ac.in से, वेबसाइट पे थोड़ा सा लोड है अभी। एप्लीकेशन नंबर होगा आपका, आपका नाम होगा, फादर का नेम होगा, जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, कैटेगरी होगी, यहाँ पे आपकी जो बेटा फोटो होगी, आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे एक बार कोड होगा और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिर से गिवन होगा। इसको यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करके देखोगे तो जो फॉर्म्स, जो भी फॉर्म के अंदर आपने सब्जेक्ट्स भरे थे वो सारे सब्जेक्ट्स का नाम, उनका मीडियम यहाँ पे क्या होगा, आपका रोल नंबर, आपकी टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें, और साथ में प्रॉपर आपका जो है बेटा वो एड्रेस आपका प्रॉपर गिवन होगा हर एक सेंटर का। यहाँ पे प्रॉपर जो एग्जाम का आपका सेंटर कहाँ लगने वाला है उसका एड्रेस यहाँ पे गिवन होगा। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है बेटा आप लोगों को, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, इन्होंने जो क्लियरली मैंशन किया है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट इन्होंने ये बात ध्यान रखी है। एक बात बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपका एक दिन के अंदर 5 पेपर लग रहे होंगे तो 5 फोटो लेके जाना। मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, अभी फोटो वाले स्टूडियो के पास जाना, ठीक है, अपना बैठ के पीछे वाइट बैकग्राउंड या फिर जो आपने फॉर्म के अंदर फोटोज लगाई होंगी उनको निकाल के अपनी एक गड्डी जो है भाई 10-15 फोटो की अपने बैग के अंदर रखना ही रखना, कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या बोली, जो कि फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई हुई है, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे ये जो फोटो आपने लगाई है ना, ये जो फोटो लगी हुई है यही फोटो जो है आप लोगों को निकलवानी है, इसी फोटो को आपको लेके जाना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको खासकर। अब उसके बाद आगे देखो, मैं भी प्रॉपर पहली बार पढ़ रहा हूँ, उसको मैंने पढ़ा भी नहीं, आपके सामने डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आगे पीछे देख सकते हैं भाई, ठीक हो। फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट, ठीक है भाई, आपकी जो अटेंडेंस शीट पे आपको पेस्ट करनी पड़ेगी। ये आपको क्वेश्चन के बारे में बता दिया है कि भाई 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी मार्क्ड इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट जनरल टेस्ट एंड 50 आउट ऑफ 60 क्वेश्चन इन जनरल टेस्ट। आपको बता दें कि भाई 40 में से आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, और जनरल टेस्ट के अंदर हमें 60 में से 50 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। इन द इवेंट ऑफ कैंडिडेट मार्क मोर देन 40 आउट ऑफ 50 इन ऑल द एक्सेप्ट जनरल टेस्ट, only the first 40 or 50 question marked will be considered for evaluation। यहाँ पे अगर आप 41 question कर आते हो, आप proper 50 के 50 कर आते हो, तो पहले के जो आपके 40 question होंगे सिर्फ और सिर्फ वही consider किए जाएंगे, इस बात को ध्यान से समझना। आगे देखो, candidate must check carefully that the test booklet code printed on the OMR answer sheet is the same एज प्रिंटेड ऑन द टेस्ट बुकलेट। ध्यान रखना बेटा, आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, जब आप सीट पे बैठोगे आपको जो OMR शीट मिली है उसके ऊपर जो आप लोगों का टेस्ट बुकलेट कोड होगा वो सेम क्वेश्चन पेपर पे भी और OMR शीट पे भी सेम होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ डिस्पेंसरी द कैंडिडेट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर ऑफ द मैटर टू द इन्विजिलेटर, ठीक है। आपको जो अगर वो मैच नहीं कर रहा, इन्विजिलेटर को आपको क्लियरली बोल देना, आप सीट पे बैठोगे बैठते ही सबसे पहले आपको चेक करना है आपका क्वेश्चन पेपर और OMR शीट के ऊपर जो आपका कोड है वो सेम होना चाहिए। अब उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको भरना है, आई दिस आपका एड्रेस आएगा, हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये आपको जो है भर के लेके जाना है, कुछ नहीं करना, आपका नाम और आपका एड्रेस जो है यहाँ पे डाल देना। उसके बाद यहाँ पे जो है टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर ओनली, यहाँ पे साइन पहले करके मत चले जाना मेरे भाई, क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे साइन पहले करके मत चले जाना। ये अभी देखो ये एडमिट कार्ड जो है ना, यहाँ पे आपके जो पहले दो पेजेस हैं, ये दो पेजेस की आपको कॉपी निकालनी, और कितनी कॉपी निकालनी भाई, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँ 3 कॉपी निकाल लेना, मतलब कि दो कॉपी का एक सेट हो गया, फिर एक सेट और एक सेट और, पानी है भाई, पानी गिर गया, कुछ तेल लग गया उसके ऊपर, खाना वाना लेके जा रहे हो, कहीं फट गया, कुछ भी हो गया, आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए। अब उसके बाद बेटा नीचे आ जाओ जरा, यहाँ पे उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ बोला भी है क्या यहाँ पे, ठीक है, द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन द एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर, ठीक है, आपको यहाँ पे जो है एडवांस में इसको फिल करके रखनी है, एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज टू बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। यहाँ पे आप लोगों को बेटा ये सिर्फ भर के जाना है, सिग्नेचर आप जो है एग्जामिनर के सामने ही करोगे, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड, ठीक है, कोई ब्रेक अलाउड नहीं होगा। ड्यूरिंग द शिफ्ट ब्रेक कैंडिडेट हु हैज
who has exam in the next shift will not be allowed to go outside the center premises. Candidate can only leave the examination center in the break session. देखो भाई, अगर आपका जो है वो next भी exam है जस्ट उसके बाद, तो ऐसा नहीं है कि आप गेट के बाहर चले गए, नहीं, आपको जो वो सीट आप लीव कर सकते हो, अपना वॉशरूम वगैरह जा सकते हो, बट आप उस सेंटर के वो चार दीवारी के बाहर नहीं जा पाओगे। ये बात आपको क्लियरली समझ में जो है अब वो आ गई है। इसका मतलब ये है कि भाई वो जो खाने वाने का प्रोग्राम था, आप लोगों के खाना वाना ले जाएंगे, अपना पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने बैग जमा किया, उसके बाद आपको जो है वो जितना भी आपके पास 2 घंटे का ब्रेक है या 1.25 घंटे का ब्रेक है, वो आपको सेंटर के अंदर ही जो है वो रहना, प्रेमाइस से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्टिपुलेट गाइडलाइंस, ठीक है, रिटन पर्सन ऑफ द जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट है उनका थोड़ा सा अलग सीन है, ठीक है भाई। अब उसके बाद आ जाओ पर्सन विद डिसेबिलिटी वाली बात होगी। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये तो बहुत ही जरूरी है भाई। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम ऑफ इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो इन्होंने आपको एंट्री टाइम दिया हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने जो एंट्री टाइम आपको दिया है, यहाँ पे ये देखो, आप लोगों को बोला है कि भाई डे एंड शिफ्ट आपका ये दे रखा है, टाइमिंग ये रही आपके एग्जाम की, रिपोर्ट और एंट्री एट द सेंटर, यहाँ पे क्लोजिंग जो दे रखी है 2:30 बजे, ध्यान रखना 2:29 पे पहुंच जाना, लेकिन 2:30 पे भी अगर पहुंचोगे ना तो वो एंट्री नहीं देंगे, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना। और मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अपने सेंटर पे एनी हाउ जो है वो 2 बजे तक पहुंच ही जाना, उससे ज्यादा डिले बिल्कुल मत आने देना अगर आप लोगों का ये टाइमिंग गिवन है तो। नहीं मिलेगी एंट्री, आप उनसे लड़ते रहोगे, उनको बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन होते हैं बेटा कि वो नहीं करेंगे अलाउ आप लोगों को, क्योंकि बायोमेट्रिक भी होती है, बहुत चीजें होती है। No candidate shall be permitted to enter the center after the gate closing time, ठीक है, उन्होंने पहले ही बोल दिया भाई गेट क्लोज हो गया, हम एंटर नहीं करेंगे, करने देंगे। No candidate shall be permitted to leave the examination hall या फिर room before the end of the examination, जैसे आपका एग्जाम जब तक आपका खत्म नहीं होगा आप उसको सीट को लीव करके नहीं जा सकते। On completion of the examination, please wait for instructions from invigilator and do not get up from your seat until advice, जब तक आपको ये ना बोला जाए कि आप अपनी सीट छोड़ सकते हो तब तक आपको सीट नहीं छोड़नी है, invigilator बोलेगा तभी आप सीट छोड़ोगे। All candidates are required to download and carefully read the instruction, ठीक है, आपको बोल दिया कि भाई बिल्कुल क्लियरली आपको पढ़ना है, given with the admit card and strictly adhere to them, आपको जो है इसी को follow करना है, जो instructions में पढ़ रहा हूँ इसको बहुत ढंग से follow करना है। अब उसके बाद ध्यान रखना, this admit card consists of center details and self declaration undertaking form and important instructions for the candidates, the candidate must download all pages, भाई देखो मैंने आपको क्या बोला था कि 2 पेजेस कर लेना, बट नहीं, इन्होंने इंस्ट्रक्शन के पेजेस भी बोले, तो अगर मैं 3 सेट बनाने के लिए बोल रहा हूँ तो आप तीनों ही जो है पेजेस को निकाल कर रखो, इंस्ट्रक्शंस की भी डाउनलोड कर लो। अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, कह रहे कि भाई ये तो प्रोविजनल है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू, वो कह रहे हैं कि भाई देखो आप लोगों को एक अच्छी आदत तो यही होती है कि सेंटर को एक दिन पहले जाके आप खुद देख लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि होता क्या हमें पता चल जाता है कि भाई घर से कितना दूरी पे डिस्टेंस है, क्या क्या वहाँ पे रिक्शा चलता है नहीं चलता, मुझे ऑटो लेके जाना पड़ेगा, मेट्रो का रूट है तो क्या रूट है, आपको थोड़े क्लियर पिक्चर आपको पता चल जाती है ताकि उस दिन भगदड़ ना मचे, ठीक है। अब उसके बाद आगे देख लो भाई, द इफ रीजन कस्टम्स रिक्वायर टू बी वेयर स्पेसिफिक अटायर प्लीज़ विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग, बेटा अगर कुछ भी रिलीजियस चीज़ है, जैसे कि कल एक बेटा मेरे से पूछ रहा था कि सर एक माला है गले के अंदर वह बड़ी ही रिलीजियस है, वो माला क्या मैं पहन के जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। देखो बेटा मैं आपको इसकी क्लियरली एक बात बोलूँगा, आप पहन के जाओ ठीक है, बट आप एग्जामिनेशन सेंटर के जो आपका टाइमिंग गिवन है ना उससे बहुत पहले चले जाना, उनसे बात कीजिएगा। हर सेंटर पे अलग अलग टीम वहाँ पे होती है, हो सकता है कि कुछ लोग आपको अलाउ कर दे, हो सकता है कि कुछ कोई लोग आपको अलाउ ना भी करे, तो थोरो चेकिंग के लिए जो है आपको जाना पड़ेगा, टाइम से पहले पहुँच जाना ताकि चीज़ें वहाँ पे बहुत ईजिली मैनेज हो जाए। No candidate would be allowed to enter the examination center without admit card, valid ID proof and proper fixing. यहाँ पे देखो भाई fixing will be carried through the handheld metal detector. देखो बेटा आप लोगों क्या है, आप लोगों का एडमिट कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए, उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद
एक आपकी वैलिड आईडी प्रूफ का मतलब क्या हो गया, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड लेके जा सकते हो, जो आपने लगाया आधार कार्ड वो आधार कार्ड लेके चले जाना, और भी कोई जैसे वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है या ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो वो लेके जाना है, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैलिड आईडी कार्ड आपको लेके ही लेके जाना है, ओरिजिनल, ठीक है, क्या ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी मत लेके जाना, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर आपकी चेकिंग वगैरह जो होगी उसके बाद आप अलाउ करोगे, अंदर आपको जो है वो जाने दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इन द एग्जामिनेशन सेंटर। अब देखो भाई क्या क्या लेके जा सकते हो मेरे भाई, सबसे पहले पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड पेन, मतलब कि पेन तो देखो अगर मैं ये बोलूं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया, आर पार दिखेगा, आप आपका पेन लेके जा सकते हो, लेकिन पेन कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार सब कुछ दिखना चाहिए। पानी की बॉटल आपको लेके जानी है, इसका मतलब क्या है कि भाई हाँ हो सकता है कि सेंटर पर पानी की वैसी व्यवस्था ना हो, तो अपनी ट्रांसपेरेंट मतलब कि पानी आर पार दिखना चाहिए उसके सब कुछ, वो बॉटल आप लेके जा सकते हो। मैं बहुत क्लियर शब्दों के अंदर कह रहा हूँ क्योंकि सेम बात जो मैंने बताई है वही मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर फिर देखने को मिल जाती है। आगे देखो, एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट, वन फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट पर शिफ्ट, ठीक है भाई, पर सब्जेक्ट पर शिफ्ट, ये बहुत जरूरी है जानना, क्या है भाई यहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफ जो है वो लेके जाओगे। जैसे कि अब देखो मैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुस रहा हूँ, मेरे हाथ में क्या क्या होना चाहिए, चेकलिस्ट बना लो, एडमिट कार्ड मेरे पास होना ही होना चाहिए, उसके बाद पेन मेरे पास जिसके अंदर आर पार का क्लियरली दिख रहा हो वो मेरे पास होना चाहिए, उसके बाद मेरे पास एक मेरी वैलिड आईडी होनी चाहिए, और देन उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो मेरे पास होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। अगर मान लो मेरे तीन पेपर एक दिन के अंदर लगे हुए हैं तो एक दिन के अंदर जो है मैं तीन फोटोग्राफ तो लेके जाऊंगा बार बार, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन अंडरटेकिंग एंड एलिजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको देखो, यहाँ पे जो है आपको ये भरना ही भरना है, ये जो है ना ये आपको भर के जाना है, साइन बस आपको जो है वहाँ पे करना है, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। अब आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ भाई, क्या कहता है आगे, PWD सर्टिफिकेट एंड स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल, अगर आपने स्क्राइब लिया हुआ या PWD सर्टिफिकेट है तो अगर आपको वहाँ पे जरूरत है तो आप उसको लेके जाना, लेके जाएगी, ये PWD सर्टिफिकेट और स्क्राइब वाले बच्चों के लिए। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, ठीक है भाई, जो सिग्नेचर करने की जगह है ना वहीं डालना, ऐसा नहीं कि कहीं और डाल दो। कैंडिडेट आगे देखो, कैंडिडेट मस्ट कैरी वैलिड आईडी प्रूफ, क्या है देखो, प्रेफरेबल इन्होंने क्या बोला है, आधार कार्ड जिसके अंदर फोटोग्राफ होनी चाहिए, ई आधार राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो, देखो आईडी लेके जाना वही जो कि आपके जिसके अंदर आपके पास फोटो हो, ठीक है भाई, क्योंकि फोटो मैच होती है वहां पे। हाउ एवर अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट लाइक पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, क्लास 12th बोर्ड एडमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी कार्ड विद फोटो विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड ओनली इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ये जो ये चीज़ें बोली, ई आधार हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये अवेलेबल नहीं है तो आप ये लेके जा सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना उनके अंदर फोटो होनी चाहिए आप लोगों की। आगे देखो, ऑल अदर आईडी फोटो कॉपीज ऑफ आईडीज इवन अटेस्टेड स्कैंड फोटो ऑफ आईडीज इन मोबाइल विल नॉट बी कंसीडर्ड वैलिड आईडी प्रूफ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि फोटो कॉपी निकाल ली उसकी, नीचे लिख दिया सेल्फ अटेस्टेड, साइन करके दे रहे हो, ना ना ना, ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल भाई, समझ रहे हो, ओरिजिनल ही चाहिए अपने को। आगे देखो, द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंदर PVT, ठीक है, आपको जो आपका सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उन्होंने मेंशन की हुई थी वही वाला सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आगे देखो, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, एंड अदर बैंड प्रोहिबिटेड आइटम्स लिस्टेड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटेड, जो भी उन्होंने लिस्ट दी हुई थी आपको वो सारी बैंड जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते। एग्जामिनेशन ऑफिसर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीप सेफ, ठीक है भाई, यहाँ पे वो साफ साफ सीधी सी बात कह रहे हैं, ज्वेलरी हो गया, रिंग हो गया, नोज रिंग हो गया, महंगे महंगे कड़े हो गए, ब्रेसलेट हो गया, चेन्स हो गई, ये कॉस्टली चीज़ें तो भैया घर पे उस दिन खोल के जाना, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, खासकर लड़कियाँ, बेटा क्लिप्स वगैरह बालों में लगाते हो
वो नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है। नॉर्मल सिंपल अपना एक चोटी बांध लेना। लड़के भाई बेल्ट वगैरह लगाते हो आप लोग, मत करना, क्योंकि वो जो है बेल्ट वगैरह वहाँ पे निकाल दी जाएगी, रिंग्स वगैरह सारी रखवा दी जाएगी, शूज़ वगैरह जो है वहाँ पे आपसे खुलवा कर उनको चेक करके वापस से आपको पहनाए जाएंगे। तो मैं आपकी जगह होता, मैं तो भाई नॉर्मल एक टी शर्ट पहनता, पजामा पहनता, ठीक है, हाथ के अंदर कुछ नहीं होता, कोई ईयर रिंग वगैरह कुछ कुछ भी नहीं रखता, कोई कड़ा वगैरह ये जो मैं रखता, मैं सब कुछ घर पे रख के जाता। फ़ोन मैं तभी लेके जाता अगर कोई मम्मी पापा मेरे साथ जा रहे हैं, अदरवाइज़ अब तो मुझे पता चलेगा कि सेंटर से बाहर मुझे जाने देंगे नहीं, तो फ़ोन ले जाके भी मैं क्या करूँगा, पिताजी माताजी को बोल देंगे कि भाई धूप में आप भी क्यों परेशान हो रहे हो, या कोई साथ में अगर बड़ा रहा है तो बेचारा पूरे दिन धूप के अंदर परेशान होगा, क्यों हो बेटा परेशान, मत हो, मत करो आप उन्हें परेशान, आप चले जाओ, फ़ोन अपना घर पे ही रहने दो अपना, उसके बाद अपना सेंटर पे आके पेपर दे के चुपचाप घर पे चले जाना, घर वालों को बता देना कि जनाब इतने इतने बजे तक तो पेपर खत्म होगा, उसके बाद ही घर पे आना होगा, ताकि घर वाले भी चिंता ना करें, समझ रहे हो। तो इन बातों का ध्यान रखना, मत पहन के जाना ज्वेलरी वगैरह, कुछ मत पहन के जाना, क्योंकि अगर खो गया तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ब्लैंक पेपर शीट और रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। एक सेकेंड, ब्लैंक पेपर शीट फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, रफ वर्क इज टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज इन द टेस्ट बुकलेट ओनली। यही बात मैं कह रहा था, यही बात कि देखो मैंने आपको बोला था कि दो चीज़ हो सकती है, या तो आपको A4 साइज का पेपर मिलेगा, या फिर जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना उसी के नीचे रफ वर्क होगा। तो अब क्या है, सिंपल क्लियरली बात है, अगर आपको रफ वर्क करना है तो क्वेश्चन पेपर जो उसी के नीचे आप जो है वो रफ वर्क करोगे, समझ रहे हो। इससे मेरे को पता है क्या लग रहा है, इससे मेरे को ये लग रहा है शायद ये क्वेश्चन पेपर ना दे आप लोगों को, या आपसे क्वेश्चन पेपर वापस ले ले, बट अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, मैं देखता हूँ आगे क्या होगा भाई, ठीक है। पर ये तो क्लियरली भाई हमें रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर के नीचे हमें जगह मिल रही होगी, हर पेज के नीचे नीचे जगह होगी, वहां पे हम रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। Failure to do so may result in the non-evaluating your answer sheet. अगर आप कुछ भी कुछ एक्स्ट्रा लेके जाते हो तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं करते हो तो आपकी शीट एवेल्युएट नहीं होगी। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन, ठीक है भाई, कुछ भी एक पर्ची वर्ची नहीं लेके जानी है, समझ रहे हो, पर्ची वर्ची ले गए फालतू में पकड़े गए भाई, जिंदगी खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। और ये तो ऐसा नहीं है, बोर्ड नहीं है ये, समझ रहे हो, CUET है, NTA के हाथ में, पुलिस वुलिस होती है, समझ रहे हो। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द OMR शीट एंड एडमिट कार्ड टू द इनविजिलेटर एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद देम। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा भाई, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बढ़िया है। यहाँ पे जब आपका पेपर खत्म होगा आपको OMR शीट उन्हें दे देनी है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है जनाब, वो एडमिट कार्ड भी आप उन्हें दे दोगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके तीन पेपर हैं, ठीक है, एक दिन के अंदर तीन पेपर है, तो आप तीन एडमिट कार्ड रखोगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब उसके बाद देखो, कैंडिडेट आर क्या क्या कहाँ थे हम, कहाँ थे, हाँ, इज़र सिग्नेचर एज वेल एज सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर एट द प्री डिटरमाइंड स्पेसिस, ठीक है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो है इन्विजिलेटर की भी सिग्नेचर होने एडमिट कार्ड के ऊपर। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू इंडल्ज इन एनी अनफेयर मीन, ठीक है भाई, कुछ भी अनफेयर मीन के अंदर ऐसे मत उलझना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट एडवाइजेस क्या है, NTA uses AI based real time analytical tools and technologies to map like potential use of unfair mean, ठीक है, काफ़ी सारे AI based वो सारी चीज़ें करेंगी, CCTV होगी, अगर NTA ने कैच कर लिया तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और ऐसे वाले लोगों की बड़ी दिक्कत होगी भाई, ठीक है। आगे उन्होंने क्या बोला, एडवाइस टू चेक दिस, अपना मेल वगैरह जो है चेक कर लेना। तो ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों को मैंने बहुत क्लियरली समझा दी है। अब ईश्वर का नाम लेना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, अपना पेपर देने जाओ और चिल करो। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।